हेलो एवरीवन वेलकम टू फॉर नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल आई एम नीरज कुमार कैथल टुडे इज 20 मे 2022 एंड टुडे इज इम्पॉर्टेंट एम फॉर अपकमिंग नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आर फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट लीदल अरिदमिया इज़ आपको इन चारों ऑप्शंस में से सबसे डेंजरस सबसे घातक एरिदमिया का टाइप कौन सा है उसे सेलेक्ट करना है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एट्रियल टैकीकार्डिया साइनस अरेदमिया सुप्रा वेंट्रिकुलरार द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इट इज़ ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation जो है सबसे लीदल अरेदमिया माना जाता है अरदमिया शब्द का मतलब होता है हर्ट का एबनॉर्मल बीट करना आइए जान लेते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम वी फिव के नाम से भी कई बार लिखते हैं इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सीरियस कार्डियक रिदम डिस्टर्बेंस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हार्ट में होने वाली सबसे खतरनाक रिदम डिस्टर्बेंस मानी जाती है यानी हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है वो हमेशा एक रिदमिक मैनर में होता है एक मिनट में लगभग सेवेंटी टू टाइम्स हर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होता है ये बीटिंग पर्टिकुलरली एक रिदम में करता है लेकिन किसी कारणवश यदि ये रिदम डिस्टरबेंस हो जाए अचानक से हर्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा तेजी से हो जाए तो इस कंडीशन को हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के नाम से जानते हैं डिसऑर्डर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉजेज द हर्ट्स लोअर चैम्बर्स टू क्वियर और फिब्रिलेट इंस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और बीटिंग नॉर्मली अब यहाँ पर गौर कीजिएगा जब भी आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन लिखा दिखे तो फिब्रिलेशन को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा वर्ड फड़फड़ाना हिंदी में फड़फड़ाने का मतलब होता है जैसे कि मछली को पानी से बाहर निकलते हैं तो वो तड़पती है फड़फड़ाती है इसी प्रकार से जो वेंट्रिकल्स हैं यानी हर्ट के जो दो नीचे वाले चैम्बर्स हैं वेंट्रिकल्स इनमें किसी रिदम डिस्टर्बेंस के कारण किसी कारणवश ये दोनों ही जो वेंट्रिकल्स हैं पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते संकुचित नहीं हो पाते बस हल्का हल्का मूवमेंट करते हैं फड़फड़ाते हैं यानी क्वेयर करते हैं फिब्रिलेट करते हैं इसी को ही हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के नाम से जानते हैं दिस प्रोहिबिट्स द हर्ट फ्रॉम पम्पिंग ब्लड कॉजिंग कॉलेप्स एंड कार्डियक अरेस्ट जब हार्ट के ये वेंट्रिकल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं संकुचित नहीं हो पा रहे हैं तो जो ब्लड इन चैम्बर्स में आया है वो आगे जा ही नहीं पाएगा और ब्लड अगर आगे नहीं जा पा रहा है बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पा रही है तो इस सिचुएशन को हम कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक कार्डियकोलैप्स नाम से जानते हैं दिस टाइप ऑफ एरेदमिया इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को हम मेडिकल इमरजेंसी मानते हैं और इस एरिदमिया के कारण पर्सन की जान जाने की संभावना बहुत रहती है होपफुली दिस इज क्लियर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट हम तो बात करते हैं एट्रियल ट्रैकी की इट इज अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट रिदम और एरिदमिया एट्रियल ट्रैकीकार्डिया भी एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम है इट अकर्स वेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कंट्रोल्स द हार्ट बीट स्टार्ट फ्राम अन यूजल लोकेशन इन अपर चैम्बर्स एंड रैपिडली रिपीट्स कॉजिंग एट्रिया टू बीट क्विकली अभी हमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पढ़ा था उसमें हार्ट के वेंट्रिकल्स यानी नीचे वाले दोनों चैम्बर्स में प्रॉब्लम थी अब हम बात कर रहे हैं एट्रियल ट्रैकी इसके अंदर हार्ट के जो अपर चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम एट्रियम या एट्रिया नाम से जानते हैं इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स जनरेट होता है वो ऐसे नोड से ना होकर किसी और जगह से होने लगता है और लगातार बार बार तेज़ी से होता है जिसके कारण जो एट्रियाज हैं नॉर्मल की तुलना में कई ज़्यादा बार कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं इसी चीज़ को हम एट्रियल टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं टैकीकार्डिया बेसिकली हमारी हार्ट बीट का हंड्रेड से अधिक होना कहलाता है साइनस अरेदमिया इज़ अ इरेगुलर हर्ट बीट दैट इधर टू फास्ट और टू स्लो साइनस अरेदमिया का मतलब है कि हमारे हर्ट की जो रेट है बीट है कॉन्ट्रैक्शन की जो रेट है वो नॉर्मल से या तो कम हो जाए या नॉर्मल से बढ़ हो बढ़ जाए तो इसे हम साइनस अरेदमिया के नाम से जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू प्रोटेक्ट इट्सैल्फ फ्रॉम पैथोजन इज नोन एज हमारी बॉडी का खुद को पैथोजन से बचाने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं लोकोमोशन हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनिटी सिक्रिएशन ऑफ हॉर्मोन्स द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी को हिंदी में आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं हमारी बॉडी डिजीज से हमें बचा कर रखती है यही इम्यूनिटी है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब्स अ डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना किस टर्म द्वारा डिनोट किया जा रहा है Thrombectomy, thrombocytopenia, thrombocytopathy, thrombocytosis. The right answer is option B, it is thrombocytopenia. एन एबनॉर्मल डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कॉल थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और थ्रोम्बोपीनिया देखिएगा किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको पीनिया सुफिक्स के रूप में लगा मिले तो इसका मतलब होता है उस चीज़ की कमी होना डिक्रीज इन नंबर तो यहाँ पर पीनिया शब्द आपको देखने को मिल रहा है और जो प्लेटलेट्स होती हैं उन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं तो थ्रोम्बोसाइट प्लस पीनिया थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और इसका मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अगर किसी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर तो सही है लेकिन प्लेटलेट्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं तो इसे हम थ्रोम्बोसाइटोपैथी के नाम से जानते हैं प्लेटलेट्स में फंक्शंस परफॉर्म ना कर पाना थ्रोम्बोसाइटोपैथी कहलाता है अब बात करते हैं थ्रोम्बेक्टोमी की थ्रोम्बेक्टोमी का मतलब होता है सर्जरी के द्वारा थ्रोम्बस को रिमूव करना किसी पेशेंट की ब्लड वेसल के अंदर कोई ब्लड क्लॉट चिपका हुआ है ब्लड वेसल पर इसे सर्जरी द्वारा यहाँ से रिमूव करना थ्रोम्बेक्टोमी के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट अगर किसी पेशेंट में पर्सन में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल से ज्यादा हो जाए तो इस सिचुएशन को हम थ्रोम्बोसाइटो सॉरी थ्रोम्बोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस मींस इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आप चाहें तो इस इन चारों ही टर्म्स का आपके रिवीजन हेतु स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन हर्ड इम्यूनिटी किस डिजीज के अगेंस्ट प्रभावी नहीं होती डिप्थीरिया पोलियोमाइलाइटिस स्मॉल पॉक्स टिटनेस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज टिटनेस हर्ड इम्यूनिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू रेसिस्ट एपिडेमिक डिजीज बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू नॉन इम्यून पॉपुलेशन हर्ड इम्यूनिटी को आप कम्युनिटी इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं इस चीज़ को सिंपल शब्दों में समझिए जब किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कोई डिजीज़ तेज़ी से फैल रहा हो और थोड़े समय बाद वहाँ के लोगों में मैक्सिमम लोगों में उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन जाए तो रिमेनिंग पर्सन्स में भी ये डिजीज़ नहीं होता क्योंकि उस कम्यूनिटी के लोगों में उस डिज़ीज़ के लिए इम्यूनिटी आ गई है जो कि बचे हुए लोगों को भी प्रोटेक्ट कर रही है तो इसी प्रकार की इम्यूनिटी को हम हर्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं इट हेल्प इन इरेडिकेशन ऑफ डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स पोलियो डिप्थीरिया इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है इसी के कारण ही स्मॉल पॉक्स पोलियो और डिप्थीरिया जैसे डिजीज अब खत्म होने के कगार पर हैं स्मॉल पॉक्स को तो हमने इरेडिकेट कर दिया है यानी पूरी दुनिया में ये डिजीज अब नहीं बचा है इट डज नॉट अप्लाई टू ऑल डिजीज जस्ट दैट आर कंटेजियस लाइक टिटनेस याद रखिएगा टिटनेस जैसे कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज जो कि फैलते हैं एक से दूसरे पर्सन में किसी सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इस प्रकार के डिजीजेज में ये इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं मानी जाती प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है याद रखिएगा टिटनेस के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होती हर्ड इम्यूनिटी में डेवलप नेचुरली इन सोसाइटी एज अ रिज़ल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एक्सपोजर टू डिजीज़ और इट मे बी स्टिम्युलेटेड आर्टिफिशियली बाय अ मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसी भी कम्युनिटी के अंदर जब कोई डिजीज़ एक बार सभी लोगों को हो जाए या मैक्सिमम लोगों को हो जाए और उनमें इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि उस सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है या फिर मैक्सिमम लोगों को उस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन दिलवा दिया जाए तो उससे भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है ये दो ही तरीके हैं जिनसे हम किसी भी सोसाइटी में कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यूज में होने वाला मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है सार्कोमा कार्सिनोमा ऑस्टियोमा या मेलेनोमा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यूज में होने वाला मैलिग्नेंट ट्यूमर है सार्कोमा देखिएगा दो प्रकार के ट्यूमर्स को हम दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस करता है यानी शरीर में किसी एक जगह होकर वहाँ से ट्रेवल करके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है और इसीलिए इसे हम मोस्ट डेंजरस टाइप का ट्यूमर मानते हैं जबकि बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं ये एक ही जगह पर डेवलप होकर उसी जगह पर रहते हैं इनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है एक कवरिंग पाई जाती है इस कवरिंग को भेदकर ये आगे बॉडी में कहीं भी ट्रांसमिट नहीं होते हैं ये इसलिए थोड़े सेफ माने जाते हैं जनरली सर्जरी सर्जरी द्वारा इसे एक बार रिमूव कर देने पर इनके दोबारा होने की संभावना ना के बराबर होता है जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बार बार डेवलप हो सकते हैं पूरी बॉडी में फैल सकते हैं और मोस्ट डेंजरस भी माने जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एन अडल्ट क्लाइंट हु हैज़ पेरीफिरल वेस्क्यूलर डिजीज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वॉज ऑब्जर्व्ड स्मोकिंग इन वेटिंग एरिया वॉट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द नर्स टू मेक रिगार्डिंग द क्लाइंट्स स्मोकिंग आपके हॉस्पिटल में कोई एक ऐसा अडल्ट पेशेंट आया है जिसके लोअर एक्स्ट्रीमिटीज में यानि पैरों में जो वेस्क्यूलर्स uh, uh, जो ब्लड वेसल्स हैं इन ब्लड वेसल्स का डिजीज़ है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पेरीफिरल वेस्कुलर डिजीज़ है और ये पेशेंट आपको वेटिंग एरिया में स्मोकिंग करता हुआ दिखाई देता है तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इसे जाकर क्या समझाएंगे या क्या कहेंगे आपके ऑप्शंस हैं स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड फॉर पेशेंट विद ब्लड डिजीजेज जो पेशेंट ब्लड डिजीज से ग्रसित हैं उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए या फिर ऑप्शन टू स्मोकिंग कॉजेज द ब्लड वेसल्स इन योर लैग्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिड्यूस द ब्लड सप्लाई आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड uh, वेसल्स का डिजीज है और अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपकी पैरों की नसें सिकुड़ जाएंगी और लोअर एक्सट्रीमिटी यानी पैरों तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी या फिर स्मोकिंग इंक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेंस योर हार्ट। स्मोकिंग के कारण आपका बीपी बढ़ सकता है और आपके हार्ट पर दबाव भी पड़ता है या फिर स्मोकिंग कॉजेज योर बॉडी टू बी अंडर ग्रेट स्ट्रेस स्मोकिंग के कारण आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा सकती है इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टे, स्टेटमेंट इस पेशेंट के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा जिसे पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी है द राइट आंसर इज ऑप्शन टू स्मोकिंग कॉजेज द ब्लड वेसल इन योर लेग्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिड्यूस ब्लड supply this is an acute answer to that relate this behavior to his illness all of other statements are true about smoking but do not relate to this disease condition देखिएगा यहाँ पर बताए गए चारों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन हमें इस पेशेंट में इस डिजीज़ के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है उसे सेलेक्ट करना था और वो है ऑप्शन टू जो कि सही है पेरिफेरल वेस्क्युलरार डिजीज़ वाले पेशेंट यदि स्मोकिंग करते हैं तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं यानी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं जिसके कारण बॉडी के आगे वाले हिस्सों तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता और वहाँ पर टिश्यू डेथ आदि होने की संभावना रहती है इसी वजह से वेस्क्युलरार डिजीज़ वाले पेशेंट्स को हम स्मोकिंग अवॉइड करने के लिए कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीबॉडीज़ का निर्माण किन के द्वारा होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्लाज्मा सेल्स द्वारा इरिथ्रोसाइट्स द्वारा मोनोसाइट्स द्वारा या बेसोफिल्स द्वारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर एंटीबॉडीज का निर्माण प्लाज्मा सेल्स के द्वारा होता है प्लाज्मा सेल इज अ सेल डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स दैट हैज बीन सिंथेसाइज टू अ स्पेसिफिक फॉरेन एंड एंटीजन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में कोई बाहर से इसे बीमार करने वाला तत्व या फॉरेन सब्सटेंस आता है जिसे आप एंटीजन नाम से जानते हैं ये एंटीजन जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम के नोटिस में आने के बाद हमारी बॉडी इस एंटीजन को इस रोग कारक को नष्ट करने के लिए अपनी सैनिक तैयार करती है और उस कड़ी में सबसे पहले जो बी लम्फोसाइट्स हैं वो सिंथेसाइज होती हैं और यहाँ से प्लाज्मा सेल बनते हैं और फिर इनसे एंटीबॉडीज तैयार होते हैं और ये एंटीबॉडी इन एंटीजेंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं खत्म कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ हैंड वॉशिंग इज हैंड वॉशिंग हमेशा से नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का एक फेवरेट टॉपिक रहा है रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपको बताना है कि जब हम हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं तो उसका जो सीक्वेंस है उसका जो ऑर्डर है उसका जो क्रम है वो क्या होना चाहिए ऑप्शन ए सबसे पहले बैक ऑफ हैंड को क्लीन करेंगे फिर रिस्ट यानी कलाई को और फिर पाम को यानी हथेली को या फिर ऑप्शन बी रिस्ट को क्लीन करेंगे पाम को फिर बैक ऑफ हैंड को पाम को रिस्ट को बैक ऑफ हैंड को या फिर पाम को बैक ऑफ हैंड को और रिस्ट को कौन सा सीक्वेंस सही है इसे आपको सेलेक्ट करना है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज पाम बैक ऑफ हैंड एंड रेस्ट हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें हम समराइज वे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग के लिए हम टोटल सेवन स्टेप्स को फॉलो करते हैं दीज आर फर्स्ट स्टेप वेट हैंड्स वेट योर हैंड्स एंड अप्लाई इनफ लिक्विड सोप टू क्रिएट गुड लेदर द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर शुड बी थर्टी फाइव टू फोर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड जब भी हमें हैंड वॉश करने हो, तो सबसे पहले हम अपने हाथों को भिगोएंगे और लिक्विड सोप का इस्तेमाल करेंगे ताकि उससे पर्याप्त मात्रा में झाग बन सकें हैंड वॉशिंग के लिए जो वाटर हम यूज़ करेंगे उसका टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है नोट कर लीजिएगा हैंड वॉशिंग का जो सेकंड स्टेप है वो है रब पाम्स टुगेदर अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें रब योर हैंड पाम टू पाम इन सर्कुलर मोशन रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप अपने हाथों की हथेलियों को आपस में सर्कुलर मोशन में यानी गोलाकार तरीके से रगड़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर स्टेप थर्ड के अनुसार रब द बैक ऑफ हैंड अपनी हथेलियों को रगड़ने के बाद रब करने के बाद अब हम हाथ के पीछे वाले हिस्से को रब करेंगे विथ योर फिंगर्स लिंकड थ्रू द अदर हैंड यूज़ योर राइट पाम टू रब द बैक ऑफ लेफ्ट हैंड दैन स्वैब इस चीज़ को आप मोबाइल को रख कर इमेजिन करिए आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे थर्ड स्टेप के अंदर हम अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से पर अपने दूसरे हाथ की हथेली को रखकर फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आगे पीछे मूवमेंट करेंगे जिससे कि बैक ऑफ हैंड जो है क्लीन हो जाए राइट राइट हैंड की जो पाम है उससे लेफ्ट हैंड का बैक रब करेंगे फिर लेफ्ट हैंड की पाम से राइट का बैक रब करेंगे स्टेप फोर इंटरलिंक योर फिंगर्स अब हम अपने फिंगर्स को इंटरलिंक करेंगे link your fingers together facing each other into clasped hand then rub your palms and fingers together अब हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ लेंगे फिंगर को इंटरलॉक रखते हुए आपस में इन्हें रब करेंगे ये आपका फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की जिसे हम बोलते हैं कप योर फिंगर्स हम अपने एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगली को हाथ को हल्का सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए कप करेंगे कप योर फिंगर्स टुगेदर विथ योर राइट हैंड ओवर योर लेफ्ट हैंड अंडर विथ योर फिंगर्स इंटरलॉक रब द बैक ऑफ दैम अगेंस्ट योर पाम्स दैन स्वैब आप अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रखते हुए हैंड्स को कप करेंगे ताकि उंगली के जो पोर हैं आगे वाले हिस्से हैं वो एक दूसरे को पकड़ सकें और फिर इन्हें आपस में रब करेंगे ऐसा करके हम जो फिंगर नेल से उनके नीचे वाले हिस्से को क्लीन कर पाएंगे स्टेप सिक्स क्लीन द थम्स अब हम अपने हाथ के अंगूठों को साफ करेंगे एंड क्लोज योर राइट हैंड अराउंड योर लेफ्ट थम एंड रब एज यू रोटेट इट देन स्वैप आप अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे को पकड़कर रोटेट मोमेंट करते हुए घुमाते हुए अंगूठे को पूरा क्लीन करेंगे और ऐसा करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड से राइट right हैंड के थम को क्लीन करेंगे फिर आता है सेवेंथ स्टेप रब पाम विथ योर फिंगर्स अब हम अपनी हथेली को अपनी उंगलियों से रगड़ेंगे रब योर फिंगर्स ओवर योर लेफ्ट रब योर फिंगर्स ओवर योर लेफ्ट पाम इन सर्कुलर मोशन देन स्वैप अपनी फिंगर्स जैसे राइट right हैंड की फिंगर है तो उसे लेफ्ट हैंड पर रख कर सर्कुलर मोशन में रब करेंगे और फिर इसका उल्टा करेंगे इस प्रकार से हैंड वॉशिंग के ये स्टेप्स कंप्लीट होते हैं इसके अलावा ध्यान में रखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है उसे भी देख लेते हैं वंस यू हैव फॉलोड दिस हैंड वॉशिंग स्टेप्स यू शुड दैन थ्रोली रिंस योर रिंस विद वार्म रनिंग वाटर एंड ड्राई विथ अ क्लीन डिस्पोजेबल पेपर टॉवल इन सभी सातों स्टेप्स को यूज़ करने के बाद आप टैप वाटर से जो अपने हाथ हैं उन्हें क्लीन करेंगे और फिर डिस्पोजेबल पेपर टॉवल से इसे क्लीन कर सकते हैं पेपर टॉवल्स आर मोस्ट हाइजेनिक वे टू ड्राई योर हैंड्स बट ऑटोनॉमिक सॉरी ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर्स मे आल्सो बी यूज इन योर वर्क प्लेस अगर आप हैंड वॉशिंग के बाद अपने हाथों को पेपर टॉवल से सुखाते हैं क्लीन करते हैं तो ये बेस्ट माना जाता है लेकिन अगर पेपर टॉवल अवेलेबल नहीं है तो इस सिचुएशन में आप ऑटोमेटिक हैंड ड्रायर मशीन्स के द्वारा भी अपने हाथों को सुखा सकते हैं होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इस पार्ट को वीडियो को बैकवर्ड करके भी देख सकते हैं ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है आपको आने ही चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन अ राइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडी लेवल इन रेस्पॉन्स टू इेलेवेंट स्टिम्यूलाई इज कॉल्ड देखिएगा मान लीजिए ये आपका पेशेंट है इस पेशेंट को पाँच साल पहले कोई डिजीज हुआ था और इस डिज़ीज़ के अगेंस्ट इस पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं लेकिन अब यानी पाँच साल बाद अचानक बिना उस डिज़ीज़ के हुए या उस डिज़ीज़ को कॉज करने वाले एंटीजन के संपर्क में आए ही इस पेशेंट में इन एंटी एंटीबॉडीज़ का लेवल अचानक बिना वजह बढ़ जाए तो इस घटना को आप क्या कहेंगे इ एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ना क्या कहलाता है ऑप्शन ए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ऑप्शन बी एनामेस्टिक रिएक्शन ऑप्शन सी एग्लूटिनेशन रिएक्शन ऑप्शन डी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इट इज अनेमनेस्टिक रिएक्शन आइए इसके बारे में और जान लें द रैपिड रीअपीरियंस इन द ब्लड ऑफ एंटीबॉडीज टू एन एंटीजन आफ्टर रीएक्सपोजर टू द एंटीजन कॉल्ड एनेमनास्टिक रिएक्शन एनेमनेसिस इज अ सेल मीडिएटेड फिनोमिना कॉस्ट बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ जब होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं और ये एंटीबॉडी लंबे समय तक बॉडी में एक मेमोरी के रूप में स्टोर रहते हैं भविष्य में जब कभी भी ये डिजीज उस पर्सन को दोबारा होता है तो ये पहले से मौजूद एंटीबॉडी अपनी संख्या को बढ़ाकर उस डिजीज़ को बॉडी में नहीं होने देते हमें प्रोटेक्ट करते हैं लेकिन अगर किसी सिचुएशन में बिना डिजीज कॉजिंग फैक्टर के बॉडी में आए ही बॉडी में पहले से मौजूद एंटीबॉडीज़ की संख्या बढ़ जाए तो ये घटना एनेमनास्टिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है आइए शॉर्ट में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन क्या है इसे भी समझ लेते हैं अ सीवियर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हमारे बॉडी में जिस चीज़ से हमें एलर्जी है उस उसके संपर्क में आने के बाद अचानक से लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन यदि हो जाए तो उसे हम एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब है जिसमें किसी पेशेंट की जान जा सकती है द रिएक्शन कैन अकर विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू एलर्जन जैसे ही हम इस एलर्जी को कॉज करने वाले एलर्जन के संपर्क में आते हैं उससे रिएक्शन कुछ सेकेंड्स या मिनटों में ही शुरू हो जाती है सिम्टम्स इंक्लूड स्किन रैश नोज़िया वॉमिटिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड सॉक इस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के होने के बाद पेशेंट के स्किन पर रैशेस हो सकते हैं यानी uh, चकते हो सकते हैं निशान पड़ सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है शॉक में जा सकता है पेशेंट इफ नॉट ट्रीटेड राइट वे यूजअली विथ एड्रलिन इट कैन रिजल्ट इन अनकॉन्शियसनेस और डेथ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन जब भी हो आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस के रूप में एड्रेनलिन का इस्तेमाल करना है अगर आपने इस पेशेंट में एड्रिनलिन का इस्तेमाल कर दिया तो उसकी जान बचने की संभावना है अदरवाइज पेशेंट अनकॉन्शियस होगा और फिर उसकी डेथ तक हो सकती है एग्लूटिनेशन जो है इसे भी हम ब्रीफली जान लेते हैं कि क्या होता है ये एग्लूटिनेशन इज़ अ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच अ पर्टिक्यूलेट एंटीजन कंबाइंस विथ इट्स एंटीबॉडी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड पी रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ विजिबल क्लम्बिंग ऑफ पार्टिकल्स देखिए एग्लूटिनेशन एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में रिएक्शन के कारण बनने वाला एक सब्सटेंस है जब भी किसी पेशेंट में एक एंटीजन किसी एंटीबॉडी के संपर्क में आता है तो दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और इनका जुड़ना जो होता है वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच के ऊपर होता है और इन दोनों के मिलने के बाद वहाँ पर हम एक विजिबल क्लंप ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं यानी कि एक एक ऐसी संरचना बनती है जिसे हम अपनी आइज से देख सकते हैं एक गुच्छा कह सकते हैं एक क्लंप बोल सकते हैं जो बनता है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिसे समझने के बाद आप कभी भी इस एग्लूटिनेशन शब्द को नहीं भूलेंगे जब हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं मिसमेज ग्रुप का ब्लड चढ़ा देते हैं तो उस सिचुएशन में एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होती है और उस पेशेंट की बॉडी में ब्लड के थक्के बन जाते हैं वही थक्के एग्लूटिनेट या एग्लूटिनेशन प्रोसेस कहलाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडीज़ अटेम्प्ट टू फाइट द इफ़ेक्ट ऑफ नोजियस सब्सटेंस विथ ऑल इट्स डिफेंसिव एबिलिटीज आर नोन एज हमारे बॉडी में किसी डिजीज़ को कॉज करने वाले सब्सटेंस की एंट्री के बाद इस डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर से बॉडी का खुद को बचाव के लिए जो रेसिस्टेंस है जो डिफेंस है उसे हम किस नाम से जानते हैं अलर्ट रिएक्शन अलार्म रिएक्शन रेसिस्टेंस या एग्जॉशन द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस आइए तीन टर्म्स हैं इसे हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस मीन्स अपोजिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीज अ टॉक्सिन और टू अ फिजिकल फोर्स किसी भी डिजीज के इफेक्ट या टॉक्सिन के प्रभाव को उल्टा करना यानी बॉडी को इनसे बचाना रेसिस्टेंस कहलाता है अवरोध कहलाता है अलार्म रिएक्शन क्या है अलार्म रिएक्शन इज़ अ फर्स्ट स्टेज इन जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम विच include चेंजेस occurring इन द बॉडी when सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसफुल stimuli. जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है तो हमारी बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स देती है जिसके द्वारा हम ये पता हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है इसे हम अलार्म रिएक्शन के नाम से जानते हैं और याद रखिएगा ये जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम का पहला स्टेप है नेक्स्ट आता है एग्जॉशन इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फैटिक और वियरनेस जब हमारी बॉडी उस डिजीज से लड़ते लड़ते एक समय के बाद खुद को सरेंडर कर देती है थक जाती है उससे प्रभावित हो जाती है तो वो घटना एग्जॉशन कहलाती है तो याद रखिएगा जनरल अडाप्टेशन सिंड्रोम के अंदर तीन चीजें हैं सबसे पहले अलार्म रिएक्शन फिर रेसिस्टेंस और फाइनली एग्जॉशन आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंपॉर्टेंट है प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट आफ्टर अ टेंटोरियल क्रेनियोटोमी द नर्स प्लेस अ साइन अबोव द क्लाइंट्स बेड स्टेटिंग दैट द क्लाइंट शुड बी मैंटेन इन विच पोजिशन आपको सिंपली इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है कि सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजिशन में रखना चाहिए प्रॉन सुपाइन सेमीफॉवलर्स या डॉर्सल रिकमेंट

वो ब्रेन के टेंटोरियम एरिया से ऊपर की तरफ की जाती है इस सर्जरी के बाद पेशेंट का जो हेड साइड है उसे लगभग 30 डिग्री एलिवेटेड रखना चाहिए 30 डिग्री एलिवेट रखने से पेशेंट में जुगलर वेन्स द्वारा जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा बना रहता है साथ ही साथ पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो भी मेंटेन रहता है ऑप्शन वन टू और फोर इनकरेक्ट पोजिशंस हैं बिकॉज दे आर लाइकली टू इंक्रीज आई सी पी अगर आपने सुप्राटेंटोरियल सर्जरी के बाद इस पेशेंट को प्रॉन पोजिशन दी सुपाइन दी या डॉर्सल रिकमेंड पोजिशन दी तो इन सभी पोजिशंस के कारण पेशेंट का जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ब्रेन के अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है प्रायोरिटी नर्सिंग टिप फॉर दिस क्लाइंट टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर Position the client to avoid extreme hip and neck flexion and maintain the head in midline neutral position. जब भी इस patient को आप head हल्का सा elevate करके position देते हैं, तो इस patient में flexion और extreme weakness आदि को अवॉइड करने के लिए हम हेड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, मिडलाइन में रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इफ्लुएंट स्टूल कंसिस्टेंसी इन इलियोस्टोमी किसी पेशेंट में इलियोस्टोमी की गई है इस इलियोस्टोमी से निकलने वाले स्टूल की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी होती है सॉलिड होता है वाटरी होता है रेडिस पेस्ट लाइक होता है या थिक लिक्विड लाइक होता है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इट्स लाइक थिक लिक्विड ये गाढ़े तरल की तरह होता है एन ईलियोस्टोमी इज यूज टू मूव वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी दिस सर्जरी इज डन वैन द कॉलॉन और रेक्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली द वर्ड इलियोस्टोमी कम्स फ्रॉम द वर्ड ईलियम एंड स्टोमा योर ईलियम इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी जो इस्माल इंटेस्टाइन है उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस्मॉल इंटेस्टाइन का स्टमक के बाद जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं उसके बाद जेजूनम आता है और फिर फाइनली आता है लास्ट वाला पार्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है उसे हम ईलियम कहते हैं अगर किसी पेशेंट में कॉलोन यानी बड़ी आँत और रेक्टम वाला हिस्सा प्रॉपर फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है तो बॉडी से स्टूल को बाहर निकालने के लिए हम इस पेशेंट की इलियम यानी छोटी आँत में स्मॉल इंटेस्टाइन में एक ओपनिंग बना देते हैं जैसे मान लीजिए ये हमारा पेशेंट है इस पेशेंट के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया है अब इस पेशेंट का जो रेक्टम है ये प्रॉपर किसी वजह से फंक्शनिंग स्टेट में नहीं है इस पेशेंट नेचुरल वे से स्टूल पास नहीं कर पा रहा है तो स्टूल पास करने के लिए हम इसके एबडोमिन एरिया में ईलियम पार्ट के अंदर एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बना देंगे इसे ही हम आ, इसे ही हम इलियोस्टोमी के नाम से जानते हैं इलियोस्टोमी शब्द भी इलियम प्लस स्टोमा से मिलकर बना है इलियम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टोमा इज़ अ ओपनिंग और इसी फिर ओपनिंग से जो स्टूल है वो बाहर ड्रेन आउट होता रहेगा और इस रस्ते से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो थिक लिक्विड होगा आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्बशन होता है वो हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन से होता है और अगर जो फूड uh, कंटेंट है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक ट्रेवल ही नहीं कर पा रहा है पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट से बाहर निकाल दिया जा रहा है तो उसमें लिक्विड की मात्रा फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी सो ऑप्शन डी इज करेक्टियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन अ न्यूबॉर्न किसी न्यूबॉर्न बेबी को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किस फाइंडिंग या असेसमेंट को असेस करेंगे ऑप्शन ए अगर बच्चा दिन में आठ से दस बार यूरिन पास कर रहा है तो या फिर बच्चा लगातार रो रहा है तो या फिर बच्चा रेस्टलेस है बेचैन है तो या फिर बच्चे में सकिंग रिफ्लेक्स अच्छा है तो कौन सी फाइंडिंग ये बताती है कि बच्चे को पर्याप्त ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है द राइट आंसर इज ऑप्शन ए न्यू बेबी को जन्म के बाद आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं और न्यू बॉर्न बेबी में हर दो घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है तो वो दिन में कम से कम आठ से दस बार यूरिन पास करेगा और बच्चे को हर दो घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग देने के साथ साथ ये भी देखा जा सकता है कि बच्चा जब भी क्राई करे रोए उसे तुरंत ब्रेस्ट फीड करवाया जाए रेस्टलेसनेस और गुड सकिंग रिफ्लेक्स ये दोनों ही सही ऑप्शन नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट सफलिंग गेंट इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन शॉर्ट सफलिंग गेंट किस डिजीज में देखा जाता है छोटे छोटे कदमों से लड़खड़ाते हुए चलना किस डिज़ीज़ की निशानी है एल्जाइमर्स डिजीज़ पार्किसन्स डिज़ीज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस या माइस्थानिया ग्रेविस द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पार्किंसन डिजीज़ आइए इन चारों डिजीजेस के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले बात करेंगे पार्किंसन डिजीज की अ डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफटन इंक्लूडिंग ट्रिमर्स पार्किंसन डिजीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज़ है जिसमें पेशेंट को ट्रिमर्स आते हैं मरोड़े उठते हैं साथ ही साथ मूवमेंट में यानी चलने में दिक्कत होती है नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन काजेज डोपामीन लेवल्स टू ड्रॉप लीडिंग टू अ सिम्टम्स ऑफ पार्किसन पार्किसन डिजीज़ में डोपामीन का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाता है और नर्व सेल्स डैमेज हो जाती हैं पार्किसनस ऑफ्टन स्टार्ट विथ ट्रिमर इन हैंड पार्किंसन डिजीज़ की जब शुरुआत होती है तो उसके हाथों में ट्रिमर्स सबसे पहले देखे जाते हैं आप पार्किसन वाले डिजीज़ को देखेंगे जब वो लिख रहा होगा तो वो लिखना बड़े बड़े अक्षर शुरू करता है लेकिन पेज के आखिरी में आते आते उसके जो शब्दों की जो आकार है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है इस तरह से भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अदर सिम्टम्स आर स्लो मूवमेंट स्टिफनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस पार्किंसन के डिजीज़ पार्किंसन डिजीज़ पेशेंट बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं उनके शरीर अकड़ा हुआ रहता है स्टिफनेस होती है उनमें बॉडी बैलेंस प्रॉपर नहीं होता इन सभी सिम्टम्स द्वारा हम पार्किंसन डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि इस डिजीज का अक्सर पूछा जाता है मास्क लाइक फेस यानी कि पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट का आप जब चेहरा देखेंगे तो उन पर किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होगा कोई भी खुशी या कोई भी गम किसी भी प्रकार का भाव उनके चेहरे पर देखने को नहीं मिलेगा उनका चेहरा देखने पे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कोई मुखोटा पहना दिया है जिस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है इसीलिए कहा जाता है मास्क लाइक फेस पार्किंसन के पेशेंट में देखने को मिलता है एन एक्सप्रेशन लेस फेस विथ लिटिल और नो सेंस ऑफ एनिमेशन मेडिकेशन कैन हेल्प कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन पार्किंसन डिजीज को हम मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की बात की जाए तो एल्जाइमर्स डिजीज़ इस डिज़ीज़ को हम सेनाइल डिमेंशिया डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं ब्रेन सेल कनेक्शन एंड द सेल्स दैम सेल्व्स एंड डाई इवेंचुअली डिस्ट्रॉइंग मेमोरी एंड अदर इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन एल्ज़ाइमर डिजीज़ जो है उम्र के बढ़ने के साथ देखने को मिलता है इस डिज़ीज़ के अंदर पेशेंट के जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है जिससे पेशेंट की यादाश्त लगभग खत्म हो जाती है और अपने जरूरी दिन भर के जो जरूरी फंक्शंस हैं उन्हें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन आर द मेन सिम्टम्स नो क्योर एग्जिस्ट बट मेडिकेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटजीज में टेम्परली इम्प्रूव सिम्टम्स इस डिजीज़ का कोई इलाज तो नहीं है लेकिन थेरेपीज़ के द्वारा मेडिकेशन के द्वारा हम कुछ समय तक सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ की अ डिज़ीज़ इन विच इम्यून सिस्टम ईट्स अवे एट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ नर्व्स हमारी जो नर्व्स होती हैं उस पर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग माइलिन शीट पाई जाती है जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से इन नर्व्स के ऊपर मौजूद इस प्रोटेक्टिव लेयर को ही डैमेज कर दे खत्म कर दे तो ये डिजीज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से जानी जाती है और इस डिज़ीज़ के होने के बाद पेशेंट के जो बॉडी में नर्व्स इम्पल्सिस का जो ट्रांसमिशन है वो धीमे हो जाता है और पर्सन की बॉडी में स्लो मूवमेंट इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट डिजीज आता है माइस्थेनिया ग्रेविस इंपॉर्टेंट माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिजीज दैट लीड्स टू वेराइंग डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल वीकनेस माइस्थैनिया ग्रेविस जो डिजीज है ये न्यूरॉन और मसल्स से जुड़ा हुआ डिजीज है यानी कि इसमें न्यूरॉन्स भी प्रभावित होते हैं और मसल्स भी प्रभावित होते हैं या हम कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वहाँ पर किसी खराबी के कारण नर्व्स के मैसेज देने के बावजूद भी मसल्स में जो मूवमेंट है वो सही नहीं हो पाती या धीमे होती है यही माइस्थन ग्रेविस है द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स ऑफ दीज आई फेस स्वेलोविंग माइस्थनिया ग्रेविस डिजीज होने पर आइज़ के मसल फेस के मसल्स और खाने को निगलने या स्वेलो करने के लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इट कैन रिजल्ट इन डबल विजन ड्रोपिंग ऑफ आईलेट्स ट्रबल टॉकिंग एंड ट्रबल वॉकिंग माइस्थनिया ग्रेविस से सफरिंग पर्सन को देखने में दिक्कत आती है उसे डबल विजन होता है यानी कोई भी एक चीज़ उसे दो दिखाई देती है drooping ऑफ eyelids जो कि इस डिजीज़ का सबसे पहला सिम्टम माना जाता है इसे आप पटोसिस के नाम से भी जानते हैं इस सिमटम में पेशेंट की जो आईलिट्स होती है आंखों की पलकें होती हैं वो अपने आप नीचे गिर जाती हैं और पेशेंट चाह कर भी इन्हें ऊपर नहीं कर पाता यानी आंखों को खोल नहीं पाता इसके अलावा पेशेंट चल नहीं पाता बोल नहीं पाता ये सभी फीचर्स यहाँ देखने को मिलते हैं सो एवरी वन ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए नर्सिस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेस्ट ऑफ लक